हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव का पार्ट 4। अगर अभी तक आपने पार्ट 3 विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट 3 विजिट कर सकते हैं। पार्ट 4 में अपन जो रिमेनिंग जो केमिकल रिएक्शन रह गई थी वो स्टार्ट करेंगे। अपन ने पार्ट 3 में क्या किया था, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट की थी किसकी, हेलो एल्केन की, जिसमें अपन ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर ली थी। अब पार्ट 4 में जो रिमेनिंग अपने केमिकल रिएक्शन है, जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है फ्रिडल क्राफ्ट, एलिमिनेशन रिएक्शन, मेटल के साथ रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन जो बाकी थी वो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देते हैं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है, जब बेंजीन पे, बेंजीन जो रिंग होती है, बेंजीन रिंग में हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होता है, उस एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह एल्काइल ग्रुप लगा दूं या एसाइल ग्रुप लगा दूं तो इसको फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन कहेंगे। मतलब एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा यहां पर एक हाइड्रोजन हटा के तो एल्काइल बेंजीन बन जाएगा, इसे कहेंगे फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, या फिर एसाइल ग्रुप यहां पे जुड़ जाएगा जिसे क्या कहेंगे, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इस वाले टॉपिक में जब अपन बेंजीन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन से कराएंगे तो बेसिकली फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा। क्या होगा, देखो ये बेंजीन लिया, इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कराई तो ये जो एल्काइल ग्रुप है ये किसी भी एक कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह खुद आ गया, और जहां से ये जुड़ेगा वहां का हाइड्रोजन इस एक्स के साथ जुड़ के एच एक्स बना लेगा, ठीक है, और पीछे क्या प्रोडक्ट बन गया अपना, एल्काइल बेंजीन। अब इस एल्काइल हैलाइड से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए अपन यहां पर क्या लेते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं। ये AlCl3 इससे रिएक्ट करके इसे कार्ब कैटाइन में कन्वर्ट करेगा। कैसे करेगा अभी अपन मैकेनिज्म में देखेंगे। अगर मैं इसकी जगह अलग अलग एल्काइल ग्रुप लूं तो वो अलग अलग प्रोडक्ट बन जाएंगे। जैसे मैंने R की जगह एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप ले लिया, बोले तो क्या लिया, मिथाइल हैलाइड, तो ऑब्वियस थिंग है यहां पर क्या जुड़ जाएगा, मिथाइल जुड़ जाएगा। जहां जहां R है वहां वहां पे जो आप एल्काइल ग्रुप लोगे वो एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा। जैसे R की जगह C2H5 लिया तो यहां C2H5 जुड़ गया, R की जगह या आइसोप्रोपाइल वाला लिया तो यह आइसोप्रोपाइल जुड़ गया, या टर्सरी ब्यूटाइल लिया तो यहां टर्सरी ब्यूटाइल जुड़ गया, एकदम सिंपल सा, ठीक है। तो ये सारे के सारे अल्काइल बेंजीन है, इसमें कुछ के कॉमन नेम है, इंपोर्टेंट है, अच्छे से याद रखें। जैसे अगर मैं बेंजीन की रिएक्शन मिथाइल हैलाइड से करता हूं तो यहां पर मिथाइल ग्रुप जुड़ेगा और इसे कहेंगे मिथाइल बेंजीन, और इसी को ही टोलुइन भी कहते हैं, याद रखना टोलुइन इसको कहते हैं, ठीक है। और अगर आइसोप्रोपाइल से करवाई तो आइसोप्रोपाइल यहां जुड़ा तो इसे आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं, और साथ में क्या कहते हैं, क्यूमीन, क्या कहेंगे, क्यूमीन। और क्यूमीन जो है, आप जब फिनॉल वाला चैप्टर करेंगे, जब फिनॉल के प्रिपरेशन मेथड करेंगे तो उसमें अपन क्यूमीन से फिनॉल बनाते हैं। किससे बनाते हैं, क्यूमीन से। तो ये क्यूमीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते देखो, अब देखते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो अभी तक अपन ने जो पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की थी जिसमें एक चीज किसी को रिप्लेस कर रही थी, लेकिन जो बाहर से रिप्लेस करने आ रहा था वो किसको रिप्लेस कर रहा था, एल्काइल हैलाइड में से एक्स को रिप्लेस कर रहा था, ठीक है, और वो न्यूक्लियोफाइल था तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थी। यहां पर जो है एल्काइल ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, और एल्काइल ग्रुप जब बाहर से आके अटैक करेगा बेंजीन पे तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। समझते हैं, पहले तो ये याद रखेंगे कि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन एक तरह की कैसी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अब एक एक करके समझते हैं इसको अच्छे से। पहले है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, तो बनाने के लिए अपन ने यहां पर क्या ले रखा है, AlCl3 ले रखा है। तो जो एल्काइल हैलाइड होगा, जैसे यहां RCl लिया, उससे ये AlCl3 रिएक्ट करेगा। अब AlCl3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, इस चक्कर में यहां से Cl जो है इस पे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, AlCl4-, ठीक है। इसके पास विचार, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके Cl चला जाएगा, इसीलिए इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इस पे प्लस लग गया। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो स्पीसीज होती है जिनके ऊपर प्लस चार्ज हो, चाहे न्यूट्रल है फिर भी उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, मतलब उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो सारी चीजें किसकी तरह बिहेव करती है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इस पे तो क्लियर प्लस दिख रहा है, जो माइनस चार्ज वाले होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल, प्लस चार्ज वाले होते हैं जो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। तो AlCl3 अगर आपको पूछे फ्रिडल क्राफ्ट में क्यों लिया जाता है, तो ताकि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो सके। अब आगे सुनना, ये R प्लस जो कार्ब कैटायन बना है ये क्या करेगा, इस पे रिएक्ट करेगा, किस पे, बेंजीन रिंग पे। अब बेंजीन रिंग पे रिएक्ट करने के लिए देखो, इसके पास ये जो R है इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इससे बॉन्ड बनाने के लिए, तो इस क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है,
तो इसको बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, देखो किसी जगह पर अपन ऐसे बॉन्ड बनाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको भी यहाँ पे जुड़ने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए ये वाला बॉन्ड देखो, ये बॉन्ड है इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, ये यहां पर आ गया और ये आर जुड़ जाएगा। ये हाइड्रोजन कहां से आया, मैंने पहले भी बता रखा है बेंजीन में हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन पहले से ही होता है, तो ये जुड़ा हुआ है। अब क्योंकि इस वाले ये वाला बॉन्ड इधर लग गया तो इस कार्बन की तो चार होगी, देखो 1 2 3 4, लेकिन इस बेचारे की वैलेंसी क्या हो गई, खाली 1 2 और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है तो तीन वैलेंसी है, तो एक तो बाकी है इसलिए इस पे प्लस चार्ज आ गया। इसका प्लस चार्ज हटाने के लिए हो सकता है ये डबल बॉन्ड यहां चला जाए तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा तो प्लस चार्ज यहां आ जाएगा, या हो सकता है ये डबल बॉन्ड यहां पर आ जाए तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा तो यहां प्लस चार्ज आ जाएगा। बोले तो ये जो दो डबल बॉन्ड है वो और ये प्लस चार्ज जो है रिजोनेंस शो कर रहे हैं, कहां से लेकर कहां तक, यहां से लेकर यहां तक नीचे वाले हाफ में, ठीक है। तो इसीलिए अपन इन तीनों को हाइब्रिडली ऐसे बना सकते हैं कि भाई ये यहां से लेकर यहां तक डबल बॉन्ड हो रहा है, ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड और एक प्लस चार्ज क्या शो कर रहा है, रिजोनेंस, लेकिन इतने वाले पार्ट में, इसलिए ये अपन ने पूरी रिंग नहीं बनाई, यहां से लेकर यहां तक बनाया और बीच में प्लस लगा दिया, ठीक है। तो इन तीन स्ट्रक्चर को ना बनाकर अपन ऐसे भी बना सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं एरेनियम आयन, क्या कहते हैं, एरेनियम आयन। क्या होता है एरेनियम आयन, इफ पॉजिटिव चार्ज अपियर ऑन कार्बन एटम इन एरोमेटिक सिस्टम इज नोन एज एरेनियम आयन, और इसका एक और नाम होता है साइक्लो हेक्सा डाई इनाइल कैटायन। क्या होता है साइक्लो हेक्सा, साइक्लो क्यों, क्योंकि साइक्लिक है, हेक्सा क्यों, क्योंकि ये छह कार्बन है, ठीक है, डाई क्यों, क्योंकि यहां पर कितने, इन तीनों में देखो दो दो डबल बॉन्ड थे तो डाई, ठीक है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है ई, तो इनाइल, और प्लस चार्ज है इसलिए कैटायन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो एरेनियम आयन है ये AlCl4- के साथ, ये जो AlCl4- इसके साथ रिएक्ट करेगा, और जब रिएक्ट करेगा तो यहां से एच निकल जाएगा, एच जब निकलेगा तो अपनी जो यहां के बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है, जैसे एच ऐसे जुड़ा हुआ था तो एक और एक दो इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ नहीं जाएंगे, इधर ही रहेंगे, तो एच के पास कुछ नहीं है, तो बिचारे के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, प्लस का चार्ज आ गया, वो एच प्लस इससे रिएक्ट करेगा और इसके एक सीएल के साथ क्या बना लेगा, एचसीएल। इधर पीछे क्या बचा, AlCl3, ये वापस AlCl3, और ये इस रिंग पे आर जुड़ा हुआ ही था, ये वाला बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, तो पहले दो बॉन्ड तो थे ही थे, एक और आ गया तो तीन बॉन्ड हो जाएंगे, वही रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बेंजीन की रिंग बन जाएगी, तो बेंजीन पे आर ग्रुप छूट गया, ठीक है। इस तरीके से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। फिर रिपीट करता हूं, फ्रिडल क्राफ्ट जो होती है उस पे बेंजीन रिंग पे एल्काइल या एसाइल ग्रुप आके जुड़ता है, यहां पे अपने फ्रिडल क्राफ्ट जो एल्काइलेशन होगा, जब अपन एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करेंगे तो बेंजीन रिंग पे एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, वो हाइड्रोजन एक्स के साथ जुड़ के एच एक्स बना लेंगे। और इसकी मैकेनिज्म कैसी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है जो इस तरीके से होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे अगला टॉपिक करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट लेते हैं अपन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखो अभी तक जो अपन ने की थी वो की थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें बाहर से एक चीज आती है और कंपाउंड में से किसी एक चीज को हटा देती है तो सब्स्टिट्यूट करती है, यहां पर क्या होगा एलिमिनेशन। बोले तो एक कंपाउंड होगा उसमें से दो चीजें निकलेगी और बाहर निकल जाएगी, ठीक है। जैसे सपोज करो कि ये एक चीज है तो इस कार्बन से हाइड्रोजन और इस कार्बन से सीएल, एचसीएल बाहर निकल जाएगा, और जो इन दोनों के बीच का सिंगल बॉन्ड होगा उसकी जगह डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होता तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाता। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच टू सब्स्टिट्यूएंट आर रिमूव्ड, कितने निकलेंगे, दो जने निकलेंगे, ठीक है, फ्रॉम अ मॉलिक्यूल विथ फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, और जिससे उनमें मल्टीपल बॉन्ड क्या होंगे, फॉर्म होंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है वो एडिशन का उल्टा आता है, जब अपन एडिशन रिएक्शन करेंगे तो एडिशन रिएक्शन से क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, जबकि एलिमिनेशन से सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर देखते हैं कौन से एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो सिर्फ एक ही एलिमिनेशन रिएक्शन दे रखी है, जब अपन एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, एल्कोहलिक KOH से। अब देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि KOH की दो तरह की रिएक्शन आएगी, एक एक्वस KOH के साथ और एक एल्कोहलिक KOH के साथ। जब अपन ने एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाई थी तो KOH का जो OH है उसने Cl को रिप्लेस करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो की थी, लेकिन जब अपन एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। कौन सी होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन।
तो स्टार्ट करते हैं, देखो क्या होता है। तो देखो ये अपना क्या था, एल्काइल हैलाइड, और इसमें हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। और उसके पास वाला कार्बन क्या कहलाएगा? बीटा कार्बन। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, यहां पर अल्फा कार्बन पहले कार्बन को नहीं कह रहे, हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। जैसे सपोज करो कि यहां पर ऐसे ये चार कार्बन होते और मान लो हेलोजन यहां से जुड़ा हुआ रहता तो ये क्या कहलाता? अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन से जो भी कार्बन जुड़ा हुआ है वो क्या कहलाएगा? बीटा। मतलब इस कार्बन से ये कार्बन भी तो जुड़ा हुआ है तो ये भी बीटा, और ये वाला भी क्या कहलाएगा? बीटा ही कहलाएगा। तो अल्फा और बीटा को उम्मीद करता हूं अच्छे से समझे आप। अल्फा कार्बन वो होता है जिसपे हेलोजन जुड़ा हुआ है और उसके पास वाला कार्बन, उसके एडजेसेंट कार्बन क्या कहलाता है? बीटा। अब इस तरफ तो कोई है नहीं इसलिए ये एक बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से तो हेलोजन हटता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। इसीलिए देखो मैंने इस वाले में हाइड्रोजन और हेलोजन को अलग से लेबल किया, ये सेम ही चीज है। आर की जगह आर देखो यहाँ सी एस टू था ना, तो मैंने सी एच ऐसे लिख दिया और एक हाइड्रोजन को यहाँ अलग से लगा दिया। ये सी एस टू ऐसे कैसे लिख दिया और ये सी एल ऐसे लगा दिया, तो ये H और ये Cl निकल जाएंगे HCl के फॉर्म में। अब इन दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली हो गई, तो उस वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए ये वाला सिंगल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड में। और ये हेलो एल्केन किसमें कन्वर्ट हो गया? एल्कीन में। ठीक है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो बीटा कार्बन से निकला इसलिए इसे बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटा एलिमिनेशन। तो देखो एल्काइल हैलाइड जो होती है वो एल्कोली KOH की प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शन देती है और इससे एल्कीन बनता है। तो पहले अपन ये याद रखेंगे कि एल्काइल हैलाइड जो है एल्कोली KOH की प्रेजेंस में क्या बनाएगी? एल्कीन बनाएगी। आगे बढ़ते हैं, ये किस तरह का एलिमिनेशन है? बीटा एलिमिनेशन। क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एडजेसेंट कार्बन या बीटा कार्बन से रिमूव हो रहा है। इस रिएक्शन को डीहाइड्रोहैलोजिनेशन भी कहते हैं। देखो हाइड्रो और हैलोजिनेशन बोले तो H और X, अब अगर ये जुड़ते हैं एच एक्स किसी पे तो इसे कहेंगे हाइड्रोहैलोजिनेशन, और एच एक्स अगर निकलता है तो इसे कहेंगे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो यहां पर एच एक्स निकल रहा है इसलिए इसे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन भी दो तरीके से होती है, E1 और E2, जैसे SN1 और SN2 होती है, उसे अपन बाद में और कभी डिस्कस करेंगे। यहां पे मैं एक आपको सिंपल इसकी मैकेनिज्म समझाता हूं। देखो ये दो कार्बन थे, ये वाले दो कार्बन, इस पे बाकी की दो वैलेंसी पे क्या लगा हुआ इससे अपन को कुछ मतलब नहीं। एक पे क्या लगा हुआ? हाइड्रोजन, और एक पे क्या लगा हुआ? एक्स लगा हुआ। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा? एक्स जो होगा यहां से निकल जाएगा, माइनस एक्स माइनस, माइनस का मतलब यहां से एक्स निकल रहा है, तो x माइनस के फॉर्म में निकलेगा। इसका मतलब ये वाले बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, तो इसके ऊपर पीछे क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया। इसका मतलब इस तरह एलिमिनेशन रिएक्शन में बीच में क्या बनेगा? कार्ब कैटाइन बनेगा। क्या बनेगा? कार्ब कैटाइन। ठीक है, और कार्ब कैटाइन कहां बनेगा? उस कार्बन पे बनेगा जिसपे हेलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये याद रखना, अभी इससे कुछ चीज अपन ऑर्डर अरेंज करेंगे। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो यहां पर प्लस चार्ज आ रखा था तो इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए ये वाले दो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, तो ये वाले दो इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए और इस हाइड्रोजन से दो इलेक्ट्रॉन, मतलब एक खुद का था एक हाइड्रोजन का, दोनों छीन लिए गए, तो हाइड्रोजन को कुछ नहीं मिला तो H प्लस निकल गया। ठीक है, और यहां डबल बॉन्ड आ गया तो अपने एल्कीन बन गई। फिर ये H प्लस और H माइनस रिएक्ट करके HX बना लेते। ठीक है, अब यहां पर अपन को ऑर्डर अरेंज करना है। तो देखो बीच में क्या बन रहा है? कार्ब कैटायन बन रहा है, और अपन ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 3 डिग्री कार्ब कैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, किसके कंपेयर में? 2 डिग्री, किसके कंपेयर में? 1 डिग्री। तो अगर यहां 3 डिग्री कार्ब कैटायन बनता है तो रिएक्शन सबसे आसानी से होगी, और 3 डिग्री कार्ब कैटायन कब बनेगा? जब हेलोजन ग्रुप किससे जुड़ा होगा? 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, तो 3 डिग्री RX सबसे ज्यादा रिएक्शन देगा क्योंकि वो 3 डिग्री कार्ब कैटायन बनाएगा, 2 डिग्री उसके बाद में, 1 डिग्री उसके बाद में, और सबसे कम CH3X। ठीक है, अब एल्काइल हैलाइड में ये तो अपने एल्काइल ग्रुप अलग अलग था, अगर हेलोजन ग्रुप अलग अलग हो और एल्काइल ग्रुप सेम हो तब क्या करना है? तो जितना आसानी से यहां से एक्स निकलेगा उतनी आसानी से ये रिएक्शन होगी। तो RI में आयोडीन सबसे आसानी से निकल जाएगा, तो RI सबसे ज्यादा रिएक्शन देगा, फिर RBr, फिर RCl, फिर RF, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते देखो नेक्स्ट है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक से ज्यादा अल्फा कार्बन होते, तो कौन सा अल्फा कार्बन निकलेगा उसके बेसिस पे अलग अलग तरह की एल्कीन बन सकती है। इसको पहले समझते हैं, जैसे मान लो ये एक कंपाउंड था और इसकी रिएक्शन मैं एल्कोली KOH की प्रेजेंस में करूं, तो देखो हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हो तो ये अल्फा कार्बन, और इसके वाला ये कार्बन भी बीटा कार्बन है, ये कार्बन भी बीटा कार्बन, हेलोजन तो यहां से निकलेगा। अगर हाइड्रोजन यहां से निकलता है तो डबल बॉन्ड यहां पर आता है। ठीक है, देखो यहां पर एक हाइड्रोजन कम कर दिया
और यहां पे डबल बॉन्ड आ गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी तो बीटा कार्बन है, इधर से हाइड्रोजन निकल जाए और इधर से हैलोजन निकल जाए, तो यहां से एक हाइड्रोजन अपन को क्या कर देना है, कम कर देना है, ठीक है, और एक हैलोजन भी कम कर देना और डबल बॉन्ड यहां लगा देना है। तो इससे तो अलग अलग एल्कीन बन रही है, इससे बन रही है 1-ब्यूटीन, इससे बन रही है 2-ब्यूटीन। तो देखते हैं कि जब अपन ने ऐसे करा के देखा तो पता चला कि माइनर प्रोडक्ट बनता है 1-ब्यूटीन, मेजर प्रोडक्ट बनता है 2-ब्यूटीन। तो इसे समझाने के लिए सेज्जेफ ने एक रूल दिया था, जैसे मार्कोनिकोफ रूल था ठीक वैसा वैसा सेज्जेफ रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, अच्छे से समझना। ये रूल कहता है कि जब दो आइसोमेरिक एल्कीन पॉसिबल हो, अब ये आइसोमेरिक क्यों है, क्योंकि ये दोनों आइसोमर है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H10 है, चाहे इसका देखे चाहे इसका देखे, सॉरी C4H8 है, चाहे इसका देखे चाहे इसका देखे, देखो चार कार्बन, 1, 2, 3 चार कार्बन, और हाइड्रोजन देखे तो 3, 2, 5, 6 और 2, 8, और इधर भी देखो 3 और 3, 6, 7, 8, ठीक है। तो C4H10 दोनों का फॉर्मूला, इसका मतलब ये आइसोमेरिक एल्कीन है। तो इफ टू आइसोमेरिक एल्कीन आर फॉर्म ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन, दो बन रही है भाई साहब, फिर क्या करेंगे, देन मोर एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट। तो सेज्जेफ ने कहा जिस पे ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, वो क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट होगी। अब देखो इस वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे देखें तो यहां पर इस कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन लगे हुए, जबकि इस पे एक हाइड्रोजन और एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अगर इस वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे देखें तो एक हाइड्रोजन एक एल्काइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन एक एल्काइल ग्रुप, तो ये ज्यादा एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगी, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं जिसमें डबल बॉन्ड बीच की तरफ आ रहा है, जैसे ये किनारे पे आ रहा है, इसमें डबल बॉन्ड बीच में आ रहा है, तो वो क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट होगी, ठीक है। तो ये अपनी एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन कब होती है, जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अपन किससे कराते हैं, एल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं, ठीक है। और एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे तो अपन किस रूल से समझाएंगे, उसे सेज्जेफ रूल से समझाएंगे। और ये क्या है, सेज्जेफ रूल, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन रिमेनिंग रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन विथ मेटल, तो देखो पहला था अपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक अपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी थी, दूसरी कैटेगरी थी एलिमिनेशन रिएक्शन, अब तीसरी रिएक्शन लेते हैं रिएक्शन विथ मेटल। इसमें अपन को एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करानी है, मेटल के साथ। तो अगर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अपन सोडियम के साथ कराए तो इसको कहते हैं वुड्स रिएक्शन, क्या कहते हैं, वुड्स रिएक्शन। तो देखो दो एल्काइल ग्रुप लेंगे, दो एल्काइल हैलाइड लेंगे, ये एक RX और ये दूसरा RX, ठीक है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, सोडियम के साथ। तो सोडियम जो है एक्स के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, NX, ठीक है। अब क्योंकि दो हैलोजन है तो यहां सोडियम भी कितने ले लिए, दो, तो दो NX निकल जाएंगे। देखो ये RX, ये RX, और बीच में क्या ले लिया, सोडियम, एक NaX के साथ दूसरा NaX के साथ, तो 2 NaX निकल गया। ये R और ये R जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्केन, और ये एल्केन बनाने का मेथड हो गया। यही वजह है कि आपके 11th में भी ये हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में एल्केन बनाने के मेथड में थी, हो सकता है आपको याद ना हो, लेकिन ये एल्केन बनाने का मेथड है जिसमें अपन एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, सोडियम के साथ, तो फिर क्या बनता है, एल्केन। अगर यहां पर आर और ये वाला एल्काइल ग्रुप दोनों अलग अलग एल्काइल ग्रुप लें तो तीन तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। जैसे सपोज करो एक तरफ मैंने लिया RX और एक तरफ लिया R-X, इसका मतलब है एक तरफ जैसे एक कार्बन का ले लिया एल्काइल ग्रुप, जैसे CH3 ले लिया, और दूसरी तरफ C2H5 ले लिया। तो ऐसे केस में ये वाला जो RX होगा, अब ऐसे तो है नहीं कि कंटेनर में सिर्फ एक एक मॉलिक्यूल लेके रिएक्शन करा है, तो ऐसे भी बहुत सारे होंगे, ऐसे भी बहुत सारे होंगे, तो ये वाला RX भी इस तरह की रिएक्शन से क्या बनाएगा, RR बनाएगा, और ये वाला R-डैश भी R-R-डैश बनाएगा, और ये आपस में भी जुड़ सकते हैं RR-डैश। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो इसका एक्स जो होगा वो एनए के साथ चला गया, इसका एक्स भी एनए के साथ चला गया, अब वहां पर एक बचा आर और एक बचा R-डैश, और ऐसे बहुत सारे होंगे। तो हो सकता है ये वाला आर खुद के जैसे एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़े, हो सकता है ये R-डैश खुद के जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़े, हो सकता है ये दोनों आपस में जुड़ जाए, तो तीन तरह के पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे। और यही वजह है कि जब अपन यहां डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो मिक्सचर ऑफ एल्केन बनता है और फिर उन्हें सेपरेट करना पड़ेगा, इसीलिए उनके लिए ये रिएक्शन अच्छी नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड, अगर लिथियम के साथ रिएक्शन कराई जाए तो देखो ये एल्काइल हैलाइड लिया, यहां पर एल्काइल की जगह मैंने दो कार्बन का एल्काइल ग्रुप ले लिया इथाइल, और हैलोजन की जगह ब्रोमीन ले लिया तो इथाइल ब्रोमाइड हो गया,
इसकी रिएक्शन लिथियम से कराएं, तो लिथियम बीआर के साथ रिएक्शन करके एल आई बी आर बना लेगा और एल आई इसकी जगह आ जाएगा, तो इथाइल लिथियम बन जाएगा। ये एक तरह का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक बोले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें मेटल भी है साथ में। तीसरी रिएक्शन जिंक के साथ करत, ये वाली इंपॉर्टेंट है और ये वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इससे फ्रैंकलिन रिएजेंट बनता है। देखो इसमें आरएक्स की रिएक्शन किसके साथ करानी है, जेडन के साथ करानी है, तो एक जेडन की दो वैलेंसी होती है, तो ये जेडन जो होगा वो दो हेलोजन के साथ जुड़ के जेडन एक्स टू बना लेगा, और एक जो जेडन बचेगा वो इस दोनों आर के साथ जुड़ जाएगा, आर जेडन आर बन जाएगा। डाई एल्काइल जिंक, अगर यहां दोनों जगह पर आर आर इथाइल ग्रुप लेते तो डाई इथाइल जिंक भी बन जाता, ये आर आर ले रखे हैं तो इसका नाम क्या होगा, आप चेंज कर देना, यहां पे डाई एल्काइल जिंक होगा, क्या होगा, डाई एल्काइल जिंक, ठीक है। तो अगर आर एक्स की रिएक्शन अपन ने किसके साथ करवाई, जेडन के साथ, देखो ये आर एक्स, ये आर एक्स और ये अपने दो जेडन ले लेते हैं, ठीक है, ये जेडन एक्स टू, ठीक है, ये निकल गया, और पीछे देखो आर एन जेड एन आर, आर एन आर जेड एन आर बन गया, ठीक है, और ये अपना क्या हो गया, डाई एल्काइल जिंक, जिसे फ्रैंकलिन रिएजेंट भी कहते हैं। तो वुड्स रिएक्शन भी नाम से पूछी जा सकती है और ये भी पूछा जा सकता है फ्रैंकलिन रिएजेंट बनाने की रिएक्शन लिखो, तो ये अपन को पूरी रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी कि एल्काइल हैलाइड की जब जिंक के साथ रिएक्शन करते तो फ्रैंकलिन रिएजेंट बनता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट देता है जो कि ऑलमोस्ट हर चीज के प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं, जिसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अच्छे से सुनना, मैग्नीशियम जो होता है उसकी दो वैलेंसी होती है, अगर एक वैलेंसी किसी भी हेलोजन ग्रुप से सेटिस्फाई की जाए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और दूसरी किसी भी एल्काइल ग्रुप से, चाहे एक कार्बन का हो, चाहे दो कार्बन का, चाहे तीन कार्बन का, तो क्या बन जाएगा, आर एम जी एक्स, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये बनाने की एकदम सिंपल सी रिएक्शन है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, एमजी के साथ, तो ये कंबाइन हो जाता है और आर एमजी एक्स बन जाएगा। जैसे यहां सी एस थ्री आई एमजी लिया तो सी एस थ्री एमजी आई बन गया, और ये आर एमजी एक्स क्या कहलाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो ये रिएक्शन जो होती है वो ड्राई इथर के फॉर्म में करवाई जाती है, जैसे ये वाली और ये वाली, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि सोडियम जो होता है आपको पता होगा बहुत ही क्या होता है, रिएक्टिव होता है वो, मतलब मॉइस्चर वगैरह एब्जॉर्ब करके फट भी सकता है, तो उसके लिए यहां पर ये रिएक्शन किसमें कराई जाती है, ड्राई इथर में, क्योंकि सोडियम इथर के साथ तो रिएक्शन करता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते देखो, नेक्स्ट है रिएक्शन विद लेड सोडियम एलॉय, तो ये अपने पीबीएनए लेड सोडियम एलॉय के साथ रिएक्शन कराई, किसकी, C2H5Br की, तो टेट्रा इथाइल लेड बनता है। क्या बनता है, टेट्रा इथाइल लेड, इसको समझते देखो, यहाँ पे C2H5Br थे और इसके कितने मॉलिक्यूल थे, चार, और यहाँ 4PbNa, यहाँ Na कितने हैं, चार, यहाँ Br कितने हैं, चार, तो 4 तो NaBr बन गए, ठीक है। अब Pb जो होती है वो यहाँ पर 4Pb था, एक Pb इस चार C2H5 के साथ जुड़ जाएगा, C2H5 होल 4Pb, तो टेट्रा बोले तो चार, इथाइल बोले तो C2H5 लेड, टेट्रा इथाइल लेड बन गया। पीछे क्या बचेंगे, 3Pb, वो अलग से हो जाएंगे। नेक्स्ट है लास्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन जो हेलो एल्केन शो करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, किसी भी चीज पे हाइड्रोजन ऐड की जाती है या उसमें से ऑक्सीजन निकाली जाती है। अब ऑक्सीजन निकालने के लिए इसमें ऑक्सीजन होनी चाहिए, एल्काइल हैलाइड में ऑक्सीजन तो है नहीं, तो यहां पर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो इससे भी एल्केन बनेगा। क्या बनेगा, एल्केन। और ये रिएक्शन भी आपके 11th पे हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में थी, एल्केन के प्रिपरेशन में, ठीक है। तो अपन यहां देखते हैं, ये एल्काइल हैलाइड लिया और इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से कराई, और यहां पर कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, ये वाले में से ZnHCl ले सकते हैं, NaC2H5OH ले सकते हैं, LiElH4 ले सकते हैं, रेड फॉस्फोरस और HI ले सकते हैं, इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यहां लेंगे और उसकी RX के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो जो हाइड्रोजन जो होगा वो X के साथ रिएक्शन करके HX बना लेगा और एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ रहा है इसलिए ये क्या कहलाएगी, रिडक्शन रिएक्शन। और एल्काइल ग्रुप पे एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो वो क्या बन जाएगा, एल्केन। जैसे यहां C2H5Cl2H से रिएक्शन कराई तो एक हाइड्रोजन Cl के साथ निकल के HCl बना दिया और एक हाइड्रोजन यहां जुड़ गया तो C2H5 की जगह C2H6 हो गया, बोले तो इथेन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से रिडक्शन से क्या बनता है, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनता है। एक चीज मैं इधर क्लियर कर देता हूं, एग्जाम में आपको ऐसे भी दे सकते हैं RX और एरो लगा के किसी भी एक रिड्यूसिंग एजेंट का नाम दे दे
और यहाँ पे दे ही ना कि इसकी रिएक्शन एच से करा रहे हैं, तो वो आपको पता रखनी चाहिए कि इन रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस ली जा रही है तो ये हाइड्रोजन से ही रिएक्ट करेगा और रिडक्शन ही होगा, ठीक है। तो रिडक्शन से एल्काइल हैलाइड किस में कन्वर्ट होता है, एल्केन में। देखो जब आप कोई भी केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन लर्न करते हैं तो पहले ये लर्न कीजिए कि ये रिएक्टेंट इस रिएक्शन से किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। जैसे मान लो मुझे ये करनी होगी तो मैं पहले ऐसे याद रखूंगा कि एल्काइल हैलाइड रिड्यूस होकर किससे किस में कन्वर्ट होता है, एल्केन। फिर ये देखूंगा कि ये क्या किसी की प्रेजेंस में करवाई जाती है क्या, तो फिर वो प्रेजेंस याद रखूंगा, ठीक है। स्टेप में आपको अच्छे से समझ के लर्न करना, ठीक है। तो इस तरीके से अपना हेलो एल्केन वाला पार्ट जो था पूरा कंप्लीट हो गया, उसकी प्रिपरेशन रिएक्शन, उसकी फिजिकल मेथड, उसकी केमिकल रिएक्शन सब कुछ हो गई। अगले वीडियो में अपन करेंगे डाई हेलोजन एल्केन, जिसमें अपन हेलो एल्केन ऐसे लेंगे जिसपे दो हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से लर्न कीजिए। रिएक्शन आप साथ साथ लर्न करते जाएंगे तो लर्न होगी, नहीं तो फिर बाद में एक साथ लर्न नहीं होने वाली, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।